राजधानी जयपुर में कोरोना वायरस को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के चौथे दिन शाम को सिंधकेएम बस स्टैंड पर अचानक ही लोगों की आवाजाही बढ़ गई। राज्य सरकार की इस घोषणा के बाद लोगों को राजस्थान रोडवेज की बसों से उनके घरों तक छोड़ा जाएगा। फिर क्या था, हर एक सड़क गली और मोहल्ले से जनता की भीड़ निकलकर सिंधकेएम की ओर बढ़ने लगी। देखते ही देखते यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। चलिए इस वक्त हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा इस वक्त तो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, ये जो भीड़ जिस तरीके से सिंधकेएम में जुटी है, निश्चित तौर पर डरा रही है लोगों को ये भीड़ देखकर कि कहीं इसमें कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित न हो, कहीं इस तरीके की आफत और ज्यादा ना फैल जाए, कहीं ना कहीं लोगों के मन में काफी संशय है। चलिए हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है, दोबारा से उनके पास आएंगे और इसी खबर पर हम बने रहेंगे क्योंकि ये तस्वीर निश्चित तौर पर डरा रही है। हालांकि इस तरीके की जो तस्वीरें हैं पूरे देश भर से निकलकर सामने आ रही है, लेकिन जयपुर के सिंधकेएम में ये जो भीड़ है काफ़ी ज़्यादा नजर आई। प्रशासन को काफ़ी मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ा, पुलिस प्रशासन को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी कि आखिरकार इतने बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे हैं उन्हें कैसे आइसोलेट किए जाएं, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कोई व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव निकले और उस संक्रमित व्यक्ति का असर दूसरे लोगों पर पड़े, तो कहीं ना कहीं एक बहुत चैलेंजिंग स्थिति नज़र आई रोडवेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सामने कि किस तरह ये जो लोग हैं अपने अपने घर जा रहे हैं उन्हें किस तरीके से वहां पर पहुंचाया जाए और किस तरीके से उन्हें व्यवस्थित तरीके से आइसोलेट किया जाए। आप कुछ तस्वीरें देख भी रहे हैं कि बाद में कुछ स्थिति बेहतर हुई और उन्हें आइसोलेट किया गया और उन्हें अलग अलग बिठाया गया, लेकिन जब शुरुआत में जब ये मजदूर पहुंचे तो उस समय स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, ये तस्वीरें हम जो देख रहे हैं निश्चित तौर पर ये तस्वीरें हमको डरा रही है क्योंकि पीएम बार बार अपील कर रहे हैं कि आपको इस समय अपने घरों में ही रहना है, लेकिन हालांकि मजदूर वर्ग है अपने अपने घर जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कोरोना से कोई पीड़ित व्यक्ति हो, मजदूर हो, और उसका असर दूसरों तक भी इसका फैल सकता है। हाँ देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से जो रोडवेज विभाग की तरफ से जो लोग थे जो यहाँ पर मजदूर वर्ग फंसे हुए थे, चूंकि 21 दिन तक का लॉकडाउन है और लॉकडाउन के दौरान लोगों को यहाँ पर जो रोटी पानी और जो रहने की जो समस्या हो रही थी उससे कहीं ना कहीं निजात दिलाने के लिए आज रोडवेज विभाग ने उनको अपने गंतव्य तक अपने घरों तक पहुँचाने के लिए ये आज ये अनाउंस किया गया था कि सभी लोग हैं जो यहाँ से अपने गंतव्य तक जा सकते हैं उसके लिए रोडवेज बसें चला दी है। इसके चलते यहाँ पर 50 बसें चलाने की बात कही गई थी, मगर सबसे हैरानी की बात है लोग 50 बसों को देख करके यहाँ पर सब लोग आए, लेकिन रोडवेज विभाग ने यह तय नहीं किया था कि सभी लोगों को, चाहे उसमें यूपी है या पूरे राज्यों के लिए, यूपी बिहार या एमपी या छत्तीसगढ़ के लिए जो मजदूर वर्ग थे उनको भी जाना है, ये तय नहीं किया गया था। लेकिन ये जो बसें चलाई गई थी सिर्फ राजस्थान के लिए चलाई गई थी और 20 बसों को यहाँ से चलाया गया, लेकिन जब 50 बसों को चलाने की बात की गई थी तो वहां पर तमाम जो ड्राइवर थे उन्होंने भी कोरोना वायरस के डर के चलते इन बसों को चलाने से मना कर दिया और महज 20 बसें ही रवाना की गई। 20 बसों के अंदर करीब 1000 से ज्यादा जो सवारियां थी उनको बैठाई गई थी, मगर इन सवारियों के बीच में यूपी बिहार एमपी छत्तीसगढ़ कि तमाम जो सवारियां थी, जाने वाले जो लोग थे, मजदूर वर्ग थे, श्रमिक वर्ग थे, वो यहाँ पर अचानक आ गए। मगर शुरुआती तौर पर जब यहाँ पर सिंधकेएम थाना पुलिस ने एहतियात के तौर पे जितनी जो सवारियां आई थी उनको यहाँ से पूरे करीब 1 किलोमीटर तक सिस्टमेटिक तरीके से बिठा दिया था, सबको 1-1 मीटर की दूर पे बिठाया गया। जो आप 4 तस्वीरें देख रहे हो, तस्वीरों के अंदर एक तस्वीर वो भी आपको नजर आ रही होगी कि सभी लाइन वाइज से बैठे हुए करीब 1 किलोमीटर तक में यहाँ पर सिंधकेएम थाना पुलिस ने यहाँ पर डिस्टेंस करते हुए उनको डिस्टेंस और उनको दूरी पे बिठाया गया ताकि कोरोना वायरस का जो संक्रमण वो एक दूसरे पे ना फैले। लेकिन अचानक जब ये कहा गया कि सभी अपने घरों तक जा सकते हैं तो अचानक से एकाएक भीड़ उमड़ी और इस भीड़ के अंदर पता नहीं चला जितने जो लोग थे सिस्टमेटिक ढंग से थे वो सारे तीतर बीतर हो गए और उसी के चलते यहाँ पर पुलिस को अस्त व्यस्त हो गया और पुलिस को यहाँ पर कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए यादवेंद्र आपका।